हुए देखो ये तो रहा नाइकी स्टोर, तो इसमें जल्दी से चलते हैं थोड़ी कदम खरीदते हैं टी शर्ट्स एंड ऑल। एक पता हर किसी के शूज़ पहने जॉर्डन के, मेरे को लगे बहुत ज़्यादा अच्छे ये वाले, बट इसमें मेरा साइज़ नहीं है नहीं तो उसको मैं ले लेता। तो फिलहाल शॉपिंग इज डन, यहाँ पे सारा सामान देखो आ चुका है, तो भी आ चुका हूँ फिलहाल तो रीबॉक में। इनकी आई एक नई टॉम एंड जेरी सीरीज देखो। सो दिस थिंग इज व्हाट आई बॉट टुडे एंड दिस इज लिटरली वेरी अमेजिंग। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड क्लिक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक है फिलहाल। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। एंड भाई यहाँ से लाइटिंग थोड़ी बेटर आ रही है। एंड भाई क्या बताऊँ, जो मेरे पास शॉर्ट्स की कलेक्शन हो चुकी है ना वो हो चुकी है बहुत ज़्यादा, लगभग मेरे पास हो चुकी हैं 30 या 35 शॉर्ट्स फिलहाल तो। एंड जो टी शर्ट्स हैं वो हो चुकी हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा कम अगर बात करूँ। एंड जो मेरे पहले की टी शर्ट्स थी XXL साइज़ की, जो मैं जब मैं पहले होता था बहुत ज़्यादा फैट, तब की जो टी शर्ट्स हैं वो तो अलग ही इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो सारी ऐसी पड़ी हुई हैं ड्रॉर के अंदर। बट फिर भी यार जो ये रही टी शर्ट्स हैं जो मेरी फिलहाल पड़ी हुई हैं एलमीरा में, ये आप लोग देख चुके हो बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस के अंदर, तो सोचा कि चलो जल्दी से चलते हैं आज मॉल में थोड़ी करते हैं शॉपिंग, क्योंकि भाई कम से कम हो चुके हैं मेरे को 4 से 5 महीने कोई शॉपिंग करे हुए वो भी क्लोज की, तो जल्दी से चलते हैं आज मॉल में शॉपिंग करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को एंजॉय कर कंटिन्यू करते हैं आज के इस व्लॉग को। सो लेट्स गो। सो बेसिकली दीज आर माई ओनली टी शर्ट जो कि मेरे को लगती हैं बहुत ज़्यादा सही। ये मेरा जो पेयर है ये है कटिंग का, या ये एक शॉर्ट है, बाकी ये एक पर्पल वाली जो कि मैं देखी होगी ये गोल्डन वाली है, एंड ये रेड है, ये सिल्वर है, एंड एक है ये ब्लू वाली जो कि आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस के अंदर, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फोटोज़ के अंदर। तो इसलिए मेरे को चाहिए थोड़ी सी और टी शर्ट्स, जल्दी से चलते हैं अब मॉल में थोड़ी सी करते हैं शॉपिंग। लास्ट में कोई याद है कि मैंने कही शॉपिंग जनवरी या फरवरी में, फिर उसके बाद हो गया था लॉकडाउन, तो उसके बाद अब तक ये सारी टी शर्ट्स पहन रहा हूँ अभी तक। सो जल्दी से चलते हैं थोड़ी करते हैं शॉपिंग, सो लेट्स गो। तो एक बार देखो डीजल बिल्कुल जीरो पे है, देखो यार जब भी गाड़ी ऑन करो ना ये डीजल मांगती मांगती है। तो अभी आया हूँ पंप पे, डल रहा भाई डीजल, और यहाँ पे आ चुके हैं सर। आज भाई वेट पता है कितना कम हो गया है। हाँ अपना चल रहा है वर्कआउट टकड़े वाला, मेरे को इन्होंने बोला कि कुछ खाना पीना नहीं है, बट फिर मैंने कल किया था सबसे ईटिंग चैलेंज, बट उससे मेरे को लगा था कि जो वेट है थोड़ा बढ़ जाएगा, बट नहीं मेरा वेट नहीं बढ़ा, क्योंकि वो खाना खाना था हेल्दी हेल्दी और साथ में वर्कआउट भी इसको प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं, इसीलिए कि अब बीच में मिस नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा ये बिजी होने की वजह से थोड़ा मिस हो जाता है। बट चलो जी कोई बात नहीं, अपना चल चुका है यहाँ पे डीजल डन, हाफ जो टंकी है वो हो चुकी है, तो चलते हैं जल्दी से। तो मेरे भाई तो खड़ी कर दी है कार पार्किंग के अंदर, एंड बाइक पता पार्किंग देख लो कितनी सारी गाड़ियाँ अभी यहाँ पे, बहुत सारी गाड़ियाँ, अंदर लग नहीं रहा कि इतने सारे लोग हैं बाहर से देखने में, बट अंदर एक बार गाड़ियाँ देखो कितनी सारी, मतलब गाड़ियाँ अंदर हैं, एंड गुड टू सी कि मतलब लोग वापस आ रहे हैं बैक टू नॉर्मल लाइफ, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो भाई देखो ये तो रहा नाइकी स्टोर, तो इसमें जल्दी से चलते हैं थोड़ी कदम खरीदते हैं टी शर्ट्स एंड ऑल, तो लेट्स गो। तो अभी आया था मैं नाइकी स्टोर में, एंड इनका जो स्टॉक है सारा वो आएगा सितंबर में, अभी इनके पास सारा ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, बाकी मेरे को लग रही है एक ये बहुत ज़्यादा सही इसमें लोगो है, एंड नाइकी के लिखा हुआ है ग्रीन कलर के अंदर मैचिंग कंपनी थोड़ी मर्सिडीज वाले रैप से, सो शायद ये की वाली यार मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा सही वाली, एंड ये अपनी पड़ी है पहले ब्लू वाली, सो दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड, मेरे को तो अच्छी लग रही है तो उसको फिलहाल ले रहा हूँ, ठीक है। सो इनका सारा स्टॉक पड़ा हुआ जो कि सारी इनमें से टी शर्ट्स ऑलमोस्ट हैं, सो देखो यहाँ पे जस्ट डू इट एक ही आई है नई, मेरे को ये ठीक ही लगी, बट फिलहाल तो मैंने ये वाले लिए एक, एंड सारे इनका स्टॉक पड़ा हुआ है। आप कुछ ले रहे हो गोपाल भैया? अच्छा एक बार देखो हर इनके शूज़ पहने जॉर्डन के, मेरे को लगे बहुत ज़्यादा अच्छे ये वाले, बट इसमें मेरा साइज़ नहीं है नहीं तो उसको मैं ले लेता, एंड एक ये मेरे को अच्छे लग रहे हैं जो इनका नया वाला स्टॉक आया है, तो ये बहुत ज़्यादा सही है, बट दे डोंट हैव माई साइज़ जो कि है US 14, तो देखता हूँ कुछ मिलता है। बाकी ये को लग रहा है ये वाला सही भी बहुत ज़्यादा शू अच्छा, लेब्रॉन 13 सोल्जर पे 40% ऑफ है, देखो वही लग रहा है ये वाला शू, देखो कोई शू है। तो भाई देखो फिलहाल तो ये दो शूज़ हैं, एक एयरमैक्स, कौन से वाले एयरमैक्स है ये? 720 है, तो इनमें मेरा साइज़ नहीं है, और ये वाले कौन से हैं? वो भी सेम ही है, सेम ही है, बट इसका कलर को लग रहा है बहुत ज़्यादा सही, बस दिखा देता हूँ, बट इनमें तो साइज़ है मेरा वो तो बहुत ज़्यादा छोटा है ये वाला, बट स्टिल ये 12 है आई थिंक, ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा बट थोड़ा यहाँ से टाइट है ये, तो ये देख लेता हूँ बड़ी वाला शू भी। एंड भाई मेरे को लगी है एक ये भी अच्छी, इस पर लिखा हुआ है इंडिया एंड नाइकी का लोगो है इसके ऊपर, ये मेरे को लगी है बहुत ज़्यादा सही, तो एक ये भी ले रहा हूँ फिलहाल, तो मैंने एक शूज़ लिए हैं और एक टी शर्ट लिया ब्लैक वाली और एक ये ले रहा हूँ, अब आगे देखता हूँ और क्या लेता हूँ, ठीक है भाई। अच्छा तो ये वाला भी लग रहा है वैसे मेरे को, अभी मेरे को एक उन्होंने कल दिया एक और डिज़ाइन, तो ये मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा, इस पर लिखा हुआ है जस्ट डू इट, सो ये भी सही लग रहा है, रेड और वाइट से लिखा हुआ है ब्लैक टी शर्ट है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, तो ले लेते हैं फिर ये भी यार, चलो सही है। A few moments later. तो फिर तो शॉपिंग इज डन, यहाँ पे सारा सामान देखो आ चुका है, एंड एक बार मेरे को घर पहुँचना पड़ेगा, सारा सामान घर पहुँच करके
फिलहाल तो नहीं थी मॉडल 5 टी शर्ट्स बटन भी मॉडल नहीं है, फिर 3 दोनों को बीच के 2 टी शर्ट्स और अभी फिलहाल जाता जाऊँगा एडिडास में जाऊँगा रीबॉक, तो देखते हैं क्या कहना मिलती है टी शर्ट्स ये है। तो फिलहाल मैं एडिडास में, यहाँ पे तो कोई टी शर्ट ज़्यादा है नहीं जो डिज़ाइन मेरे को चाहिए थोड़े अट्रैक्टिव से, तो अब जा रहा हूँ आगे रीबॉक में। तो भी आ चुका हूँ फिलहाल तो रीबॉक में, इनकी एक नई टॉम एंड जेरी सीरीज़ देखो, तो इसके पीछे भी देखो प्रिंटेड होता है ऐसे कुछ ऑरेंज उस पर कुछ ऐसे टॉम एंड जेरी है, पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे द एंड देख लो, कुछ ऐसी इनकी पूरी रीबॉक की टी शर्ट्स। तो अभी रीबॉक में मेरे को अच्छी लग रही है देखो ये वाली, तो इस पर पूरा रीबॉक लिखा हुआ है ऐसे, बड़े साइज़ है मेरे को लग रहा है बड़ा ये, तो इससे एक साइज़ छोटा लूँगा आई थिंक, ये साइज़ है लार्ज तो मीडियम लूँगा ठीक है। तो ये भी फाइनल हो चुकी है वैसे अपनी, एक बार साइज़ देख लेता हूँ इसमें अगर अवेलेबल है तो ले लेते हैं वाली। एंड दिस फॉर द साइज़ आई वाज लुकिंग फॉर, साइज़ मेरे को मिल चुका है ये है मीडियम एंड ये था लार्ज, सो दिस टी शर्ट इज गोइंग वेरी गुड ऑन मी, तो ये ले रहे हैं ठीक है रीबॉक से। तो ये वाली भी है रीबॉक के अंदर बट मेरे को लग रही है ये ठीक ठाक सी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ब्लू ले ली एक नाइकी से, सो ये वाली ठीक है बट पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। तो एक टॉम एंड जेरी वाली भी क्या करना है वो भी देखो, एंड देखो एक ये है टॉम एंड जेरी वाली, ये लग रही है सही ठीक है, पर इसके बैक में भी प्रिंटेड है तो लिखा हुआ है द एंड, तो ये टॉम एंड जेरी, तो आई थिंक इसका साइज़ है ठीक है ये वाला, सो समझ नहीं आ रहा है ये वाली लूँ या ये वाली लूँ, वैसे मेरे को लग रही है ये वाली अच्छी है, अभी देखता हूँ कि कौन सी लेता हूँ। सर देखो पूरे पैसे तक मॉल है एंड द शॉपिंग इज़ डन, नाइकी की एरी एंड ये रीबॉक मैंने फिलहाल लिया है एंड कोई ऐसा पैसिफिक मॉल है सामने एप्पल स्टोर है, तो ऊपर कुछ चलते हैं कुछ खाने के लिए, चले कुछ खाने के लिए भी आप, चलो जल्दी भूख लग रही है बहुत तेज़ है, स्टार्ट करेंगे अब तो ब्रेकफास्ट होगा तेरा तो। तो भाई देखो यहाँ पे है मेरा मिक्स वेज प्लेटर एंड यहाँ पे मेरा थिक शेक है ब्लैक करंट एंड भैया का यहाँ पे चिकन बिरयानी प्लेटर एंड ये इनका थिक शेक ब्लैक करंट, आज वेट बढ़ेगा भैया बढ़ना तो नहीं चाहिए, चलो रखेंगे चलो देखते हैं इसको ट्राई करते हैं, इसमें ना देखो पनीर है ब्रोकली है कॉर्न्स हैं और इनके में पूरा सीख कबाब वगैरह है, तो चलो ट्राई करते हैं एंड इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी भूख लग रही है। A few moments later. तो भाई फिलहाल तो पूरा खाली सिलसिला है एंड यहाँ पे आ चुके हैं अमन भाई, कैसे हो अमन भाई? बढ़िया मेरे भाई, कैसे हो आप सब? सब भाई बहुत बढ़िया है, और भाई कैसे चल रही है टेन आर आर? बहुत बढ़िया, अभी तो राइटिंग थोड़ा स्किप कर रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, ओके तो अब देखो लेट्स सी कब होता है, बाकी भाई की बाइक आने वाली जल्दी बहुत जल्द भाई बहुत ज़्यादा होता है एंड ये भी करते थे राइट मेरे साथ में एंड एक बार पूरा मॉल देखो फिलहाल टाइम हो रहा है आपके 2 नहीं भाई टाइम देख लो अभी सिर्फ 9 बजे है और जब पूरा मॉल है खाली हो चुका है, हो चुका है बहुत ज़्यादा, मैं भी शॉपिंग के लिए आया हुआ था, अच्छा देखा तो भाई मिल गया तो मैंने भाई से हेलो पूछ ले और बाइक कब ले रहा है, मेन तो उसका मेन तो भाई बाइक है क्योंकि बाइक बहुत जल्दी आने वाली है, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हो रहा है मेरे को और मैंने इसको बहुत सब डील्स बता भी दी है, बाकी भाई को फॉलो करते रहो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन पे देखी होगी। एंड गोपाल भी कैसा लगा आपको खाना? खाना तो बहुत अच्छा था मगर मेरी स्पीड इसके अकॉर्डिंग कम है, तो चीटियाँ खा तो जल्दी से चलते हैं घर क्योंकि भाई मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा घर में खाना खाने के बाद क्या बताऊँ एंड फिलहाल तो करी पूरी शॉपिंग ठीक है। तो कुछ ऐसी अपनी कार सामने से एंड अभी आए थे अमन भी, उन्होंने देखी कार एंड उनको लगी बहुत ज़्यादा सही एंड फिलहाल तो मैंने करवाई अपनी लाइटों की बफिंग, आगे पूरी लाइटों की मैंने बफिंग करवा दी है जिसकी वजह से जो लाइट्स हैं अब वो हो गई हैं ज़्यादा सही, और अगर देखो जिसकी थोड़ी गाड़ी टचिंग मांग रही है ऐसे देखो थोड़ा सा यहाँ से रैप निकल रहा है तो उसकी टचिंग करवा के लाऊंगा, अगर थोड़ा सा यहाँ से हैंडल से देखो रैप निकल रहा है इसकी थोड़ी करवा के लाऊंगा वो टचिंग, तो एकदम एक बार मैं जाऊँगा बाकी जो पूरा स्मोक है दोबारा से होगा जैसे देखो थोड़ा निकल रहा है स्मोक तो इसकी पूरी करवा के लाऊंगा दोबारा से, बाकी जो प्लेट्स है मैंने ऑर्डर कर रखी है नई वाली क्योंकि ये थोड़ी सी ना डल सी हो गई हैं वो देखो यहाँ पे थोड़ी सी ये हो रही है स्टिकरिंग उतर रही है, तो फिलहाल तो ये है और इसको भी मैंने पूरा ब्लैक कराया था आपको बताना पड़ गया था, इसको मैंने पूरा ब्लैक कराया था वैसे ही पूरा होता है क्रोम। भाई बिलीव में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना मतलब क्या बताऊँ, फिलहाल जो टेम्परेचर है वो हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और बारिश भी नहीं हो रही है यार, जुलाई का महीना आधा खत्म हो चुका है बारिश हो ही नहीं रही है, बल्कि मानसून तो इस बार बिल्कुल टाइम से आ चुका है कोरोना की वजह से, तो हमारा नेचर सारा बिल्कुल भाई मतलब बारिश हो ही नहीं रही है मतलब क्या बताऊँ, दिमाग ख़राब हो रखा है बिल्कुल है ना, 9:30 का टाइम है और 35 डिग्री टेम्परेचर क्या बताऊँ। Eventually. So, भाई आई एम बैक एट माई होम एंड यहाँ पे फिलहाल मैं गई शॉपिंग नाइकी से एंड रीबॉक से, सो ये भी फिलहाल करके मैं आज लेकर आया हूँ, सो देख लो एक तो मैं लाया हूँ ये टी शर्ट इस पर लिखा हुआ है रीबॉक, इसका जो कलर है वो लगा बहुत ज़्यादा टाटो इसलिए मैंने ले ली, जो साइज है मेरा रीबॉक के अंदर वो मेरे को आज पता लगा कि मेरा मीडियम है क्योंकि मैंने आज पहली बार लिए कोई टी शर्ट रीबॉक की क्योंकि मैं रीबॉक में ज़्यादा कुछ खरीदता नहीं हूँ बट सिर्फ मैंने आज लिया। एक ये टॉम एंड जेरी इसकी नई सीरीज आई है रीबॉक की, इस पर पीछे लिखा हुआ है द एंड, इसका जो साइज़ है वो मैंने मीडियम लिया है एंड अब मैं बात करते हैं नाइकी जो मेरा है फिलहाल तो बिल्कुल फेवरेट ब्रांड, तो यहाँ पर फिलहाल मैंने लिया आज एक जस्ट डू इट नाइकी की, और इनका जो हमारा भी स्टॉक है पुराने वाले स्टॉक पड़ा हुआ था इनका नया स्टॉक है वो सितंबर में आएगा, तो इस पर लिखा हुआ है जस्ट डू इट एंड मेनली जो मेरे को टी शर्ट लगती हैं वो लगती हैं मेरे को ब्लैक कलर के अंदर बिकॉज आई थिंक दे आर मोर अट्रैक्टिव देन अदर कलर्स ब्लैक कलर की टी शर्ट्स, एंड एक फिलहाल तो मैंने लिया ये
इंडिया वाली, इस पर लिखा है इंडिया एंड बीच में नाइकी का लोगो है, ये भी को लगी बहुत ज़्यादा सही। ऐसी सिमिलर अभी तक एक मलेशिया की भी है, एंड एक मैंने ली है ये ग्रीन, देख लो इसमें यहाँ पे नीचे ये नाइकी का लोगो है एंड मोर ओवर जो ग्रीन कलर है ये अपनी मर्जरी से मैचिंग है। एंड अब बात करते हैं हमारे मेन चीज़ की जो कि आज मेरे को लगी है बहुत ज़्यादा सही, को दिखाता हूँ एक बार तुम्हें मैं अभी किया और अभी आया। सो दिस थिंग इज वॉट आई बॉट टूडे एंड दीज आर लिटरली वेरी अमेजिंग का जो कलर है ना मेरा बहुत ज़्यादा अमेजिंग, जिससे मैंने इनको ले लिया एंड आई थिंक मैंने 6 महीने बाद कोई जूता लिया आज, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही लिया था। सो दिस थिंग आई बॉट टूडे, देख लो इसका जो कलर है मेरे को लगा बहुत ज़्यादा सही, ये है एयर मैक्स 720 सीरीज़ के। सो देख लो कुछ ऐसे लग रहे हैं एंड दीज आर लिटरली वेरी अमेजिंग, मतलब क्या बताऊँ इनके मेरे को कलर से बिल्कुल प्यार हो गया, देख लो भाई। एंड मोर ओवर आई गॉट माई साइज, मतलब बिल्कुल परफेक्ट साइज तो मेरे को मिला नहीं, जो मेरा साइज है वैसे वो US 14 है बट मेरे को US 13 भी आ जाता है, बट मेरे को ये मिला तो मैंने बोला ठीक है भाई इसको दे दो, क्योंकि इसके जो कलर है मेरे को लगा बहुत ज़्यादा सही, तो इसलिए मैंने ले ली। मैंने कहा कि पापा को दिखाया, पापा बोलते ये क्यों उठा लाया है, कितने के जूते हैं बता मेरे को, मैंने बोला आपको कोई बात नहीं ले लिए ले लिए, अभी वापसी तो होंगे नहीं, क्योंकि मेरे को लगे बहुत ज़्यादा सही तो मैंने ले लिए एंड दीज आर लिटरली वेरी अमेजिंग, क्या बताऊँ मतलब आई थिंक दीज आर माई फेवरेट शूज़ इन माई कलेक्शन एज ऑफ नाउ। भाई फिलहाल तो एज ऑफ नाउ भी पड़ा हूँ मैं 3 जूतों के पीछे, अगर मेरे को मिल गए ना मज़े आ जाएंगे। तो एक जूते हैं एडिडास के गोल्डन विंग्स जो कि मेरे को पता है मिलेंगे नहीं, वो भी मेरे साइज़ के अंदर। एक जूते हैं जो नाइकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं फिलहाल, तो अगर मैं वो खरीदता हूँ फ्यूचर में तो आपको बता दूंगा मैं। और जो तीसरे जूते हैं वो भी जॉर्डन के फिलहाल तो नए नए शूज़ आए हैं जो कि दुबई वाले शॉप में अवेलेबल है, बट दुबई में भी जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल तो फॉरन ट्रैवल भी बंद है। तो यार भाई मिलता हूँ आपसे कल सुबह 11:30 एक और डेली ब्लॉग में, टिल देन भाई सब्सक्राइब करना भाई फिल्म ब्लॉग्स पॉइंट, क्लिक द बेल आइकन एंड फॉलो कर इंस्टाग्राम पे, आईडिया को इन पर दिख रही होगी एंड या सब्सक्राइब कर देना, दोबारा से बोल रहा हूँ एंड ऑल्सो स्टे सेफ, बाय।